नमस्कार, शाम के 5 बजने को है दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर से भड़के हुए हैं और उन्होंने पुलिस पर अपने घर में घुसकर गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया है। लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पुलिस ने दबिश जरूर डाली, लेकिन मामला उनके बेटे तबरेज के पुलिस केस से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर के बेटे ने एक जमीन विवाद को लेकर अपने ऊपर गोली चलवाने का नाटक किया, लेकिन उनके फरार बेटे की तलाश में जब पुलिस मुनव्वर के घर पर पहुंची तो शायर मुनव्वर ने पुलिसिया कार्रवाई को जाति की कार्रवाई कह दिया है और अपने घर की महिलाओं से पुलिस की बदसलूकी का आरोप मढ़ दिया है। इसीलिए आज हम दंगल में कुछ सीधे सवाल पूछेंगे। क्या मुनव्वर राणा के सरकार विरोधी स्टैंड की वजह से उनको टारगेट किया गया, या फिर शायर मुनव्वर सरकार से अपने खुन्नस में पुलिस को कर रहे हैं बदनाम? क्या यह पुलिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश है या एक पुलिस केस की आड़ में शायर को परेशान करने का हथकंडा? आज की बहस शुरू करें, उसके पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इतनी रात में आप हमारे घर के अंदर आई, आप लिखित में कुछ दिखा दिए? अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, मुझे आप दिखाइए। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा के घर जब बीती रात पुलिस पहुंची तो हंगामा बरपा। सीए का मसला हो या कई और मसले, मुनव्वर राणा ने मोदी सरकार और योगी सरकार की जमकर मुखालफत की है। इसलिए मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की खोजबीन में पुलिस की इस दबिश पर ये बवाल हुआ कि मुनव्वर के खिलाफ ज्यादती हुई। शायर ने सोशल मीडिया के जरिए ये कहना शुरू किया कि उनके घर पर पुलिस ने गुंडागर्दी की। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है? कुछ वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है? कोई आप नोटिस लाए हैं? कुछ नहीं, कोई भी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी। ऐसा अभी तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। मुनव्वर राणा और उसका परिवार पुलिस एक्शन पर सवाल उठा रहा है, लेकिन पुलिस की दलील है कि मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज झूठी एफआईआर लिखवाने का आरोपी है और फरार हो गया है, इसलिए मुनव्वर के घर पुलिस पहुंची थी। पुलिस का पक्ष सुनाए उससे पहले मुनव्वर राणा के बेटे का पूरा माजरा भी समझ लीजिए। ये 28 जून की सीसीटीवी फुटेज है जिसमे तबरेज राणा पर दो बाइक सवार गोलियों की बौछार करते देखे जा रहे हैं। इस हमले के बिना पर तबरेज राणा ने अपने चचेरे भाइयों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उसके मुताबिक ये हमले का नाटक था जिसमें खुद तबरेज शामिल था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से पहले तबरेज और शूटरों के बीच रायबरेली के ओम क्लार्क होटल में 2.5 घंटे मीटिंग हुई थी। रात 11 बजे से 2:30 बजे तक तबरेज शूटरों के साथ ओम क्लार्क होटल में मौजूद था। पुलिस ने होटल में लगी सीसीटीवी से ये जानकारी जुटाई है। रायबरेली पुलिस ने पूरी घटना में शामिल दोनों शूटरों समेत 4 को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है हलीम सुल्तान, सत्येंद्र तिवारी और शुभम सरकार। पुलिस के मुताबिक तबरेज ने चचेरे भाइयों के हिस्से की जमीन 85 लाख में बेच दी थी, जिसे लेकर वो अपने चचेरे भाइयों को फंसाना चाहता था, लेकिन लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पुलिस की धमक ने मामले को सियासी बना दिया। वो तो हमारे बेटे को मार करके ये भी साबित करवा सकती है कि मुनव्वर राणा बहुत बड़ा आतंकवादी है, जो हिंदुस्तान में जितने भी बम और ये सब आए हैं बाहर से, जो ये आ रहे हैं, जो भी हमले हो रहे हैं वो सब उसी के इशारे पे होते हैं, वही करवाता है। कुछ दिन पहले आपने, आपकी बेटी ने भी कहा था कि आप लोग की जान को खतरा है और वो आपके चाचा के। आज भी ये खतरा भाई है, आज भी खतरा है। कोई मदद पुलिस की तरफ से दी गई आप लोग? नहीं, पुलिस ने कभी कोई मदद ही नहीं दी। जब उन लोगों से पूछताछ की गई जो कि होटल में इनके साथ दिखे, तो ये बात निकल के आई कि तबरेज इस बात से परेशान था कि इनके चाचाओं द्वारा इस बात को लेकर आपत्ति की जा रही है, और हलीम और सुल्तान नाम के दो व्यक्ति के साथ इसने ये प्लानिंग की कि यदि इस पर हमला हो जाता है तो इसके चाचा लोग बैकआउट कर जाएंगे, और साथ ही साथ इसका ये भी प्लान था कि ये तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़े।
तो इसे मीडिया कवरेज और सरकारी सुरक्षा भी उपलब्ध हो जाएगा। मुनव्वर राणा के आरोपों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये जांच का विषय है। लेकिन ये तो जरूर है कि एक निजी मामले की जांच में सरकार बीच में घिर गई है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, रायबरेली, आज तक।